आज मैं आपको छह ऐसी एप्लीकेशनें बताऊंगा जिनकी मदद से आप घर बैठे 1,000 से लेके कम से कम 5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो आप आसानी से ले सकते हैं, वो भी सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर। अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है कि जहाँ आपकी इनकम ज्यादा नहीं है तो भी आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड की मदद से। सिर्फ जो आपका सिबिल है वो 650+ होना चाहिए और जो आपका मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए तो ही आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको चलता हूँ सबसे पहली एप्लीकेशन बता देता हूँ जो सबसे पहली एप्लीकेशन कौन सी है। चलता हूँ मैं स्क्रीन की तरफ, प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल दे देता हूँ। जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है यहाँ पे, जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है लोन फ्रंट। जो लोन फ्रंट एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन से भी आप 1,000 से लेके कम से कम 1 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। जो मुझे यहाँ पे लोन मिला 1,000 से लेके 3,000 रुपए तक का लोन मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जैसे मैं 3,000 वाले लोन पे टैप करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी ईएमआई 3 ईएमआई बनी है और 90 दिन का यहाँ पे जो मुझे लोन है अप्रूवल हुआ है और जो मेरे अकाउंट में आएंगे 2,646 रुपए यहाँ पे मेरे अकाउंट में आएंगे और जो मुझे टोटल रिपेमेंट करनी है 3176 रुपए मुझे यहाँ पे रिपेमेंट करनी है। जो मेरी प्रोसेसिंग फीस लगेगी 200 रुपए लगेगी, साथ में एग्रीमेंट फीस लगेगी 2,500 रुपए, साथ में जो टोटल इंटरेस्ट लगने वाला है मेरा 176 रुपए लगने वाला है। आप इस एप्लीकेशन में सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड की मदद से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पे किसी प्रकार की बैंक स्टेटमेंट और सैलरी स्लिप की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब जो सेकंड एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है एम पॉकेट। अगर आप स्टूडेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप इस एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप भी सिर्फ यहाँ से पैन कार्ड आधार कार्ड, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे जो अपना वोटर कार्ड है अपना जो आइडेंटिफाई कार्ड है आप यहाँ पे सबमिट करके सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर आप यहां से लिमिट ले सकते हैं। जो आपको यहां पे लिमिट मिलने वाले स्टूडेंट सैलरी लिमिट मिलेगी पूरे 30,000 रुपए तक की आपको यहां पे लिमिट मिल सकती है और ये कंपनी भी पूरे तरीके से एक आरबीआई कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है। तो जो लोन का अमाउंट रहने वाला है 500 से लेके 30,000 रहने वाला है, जिसका जो इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ 4% का यहाँ पे इंटरेस्ट लगने वाला है और जिसको आपका टर्नओवर मिलने वाला है 61 डे के लिए आपको यहाँ पे इसका टर्नओवर यहाँ पे मिलने वाला है और आप भी इसकी ईएमआई के ऊपर इसको यहाँ पे आसान ईएमआई में यहाँ पे चुका सकते हो। उसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है वो कौन सी अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है लेजी पे। जो लेजी पे एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे 1,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का हमारे को आरबीआर कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करती है, पर अभी फिलहाल इनकी जो पुरानी लिमिट है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और आप इसकी लिमिट को भी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको तीन एप्लीकेशन बताई सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर यहाँ पे ये एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करती है। अब जो चौथी एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जो चौथी एप्लीकेशन है वो है फाइव। जो फाइव एप्लीकेशन है 1,000 से लेके कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन आप फाइव एप्लीकेशन से ले सकते हैं। जो मुझे लिमिट मिली है पूरे 2 लाख रुपए की लिमिट मिली है, पर अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इसकी आगे का प्रोसेस पूरा करना है। मुझे अपना बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है। जैसे मैं अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करूंगा तो तुरंत ही मेरे को यहाँ पे लिमिट हो सकता है कि कम भी मिल जाए, हो सकता है कि मेरे को ज्यादा भी मिल जाए, क्योंकि सारा कुछ सिबिल बेस पे काम करता है। अगर हमारा सिबिल अच्छा होगा तो हमारे को यहाँ से लोन मिल जाएगा। आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड पे एप्लीकेशन वर्क करती है, पर कुछ कुछ केस में हमारे को यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की जरूरत भी यहाँ पे पड़ सकती है। ये मैंने आपको चार एप्लीकेशन बताई, चारों एप्लीकेशन पूरे तरीके से एक एनबीएफसी कंपनी है, आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो पांचवी एप्लीकेशन है वो कौन सी है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जो पांचवी एप्लीकेशन है वो है स्टैशफिन। जो स्टैशफिन एप्लीकेशन है 1,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की हमारे को यहाँ पे लिमिट प्रोवाइड करता है। जो स्टैशफिन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मुझे लिमिट मिली है 18,000 रुपए की मिली है। इस लिमिट को मैं अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं 1,000 से लेके कम से कम 17,000 रुपए की लिमिट मैं तुरंत ही अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ और उसको आसान ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जो इसमें जो न्यू अपडेट आया वो आया 0% इंटरेस्ट अप टू 30 डे। 30 डे तक आप इसकी लिमिट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसको आप पे कर सकते हैं। आपको 1 रुपए का भी आपको यहाँ पे चार्ज नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ 0% इंटरेस्ट पे आप इसकी लिमिट को यूज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन भी सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड पे वर्क करती है। जो आपका सिबिल है 650+ होना चाहिए तो ही आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो छठी एप्लीकेशन है कौन सी है मैं दिखा देता हूँ। जो छठी एप्लीकेशन है वो है स्मार्ट कॉइन। जो स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन है वो भी एक पूरी तरीके से एक एनबीएफसी कंपनी है। अगर आपको स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो 1,000 से कम 1 लाख रुपए तक का कंपनी यहाँ पे लोन प्रोवाइड करती है। जो मुझे ऑफर मिला है यहाँ पे देख सकते हैं 4,000 से लेके 10,000 रुपए तक का लोन मैं यहाँ पे आसानी से ले सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 4,000 से कम 10,000 रुपए का लोन मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। जो मेरे अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट लोन होगा वो होगा 8,584 रुपए, साथ में यहाँ पे यू ईएमआई 10,503 रुपए मुझे इसको पे करने हैं। साथ में जो मेरी ईएमआई बनेगी 3 मंथ की बनेगी। साथ आप यहाँ पे जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे
जो मुझे लोन को जब भी लेना है तो मैं यहाँ पे लोन पर्पस करके जैसे ही अप्लाई फॉर क्विक कैश पे लोन करूंगा तो 3 मिनट के अंदर ही मेरे अकाउंट में जो लोन आई है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वो भी पूरे 3 मंथ के लिए। मैंने आपको 6 एप्लीकेशन बताई, जो 6 एप्लीकेशन है पूरे तरीके से एक NBFC कंपनी है, सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर वर्क करती है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपको इन एप्लीकेशन में घर बैठे लोन मिल सकता है, अगर आपका सिबिल अच्छा हुआ तो आपके यहाँ से अच्छी खासी लिमिट भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि सारा कुछ सिबिल बेस पे काम करता है। अगर आपका सिबिल अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको इन एप्लीकेशनों से लिमिट भी ना मिले, क्योंकि अगर आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री अच्छी होगी, प्रोफाइल हिस्ट्री अच्छी होगी तो हर कंपनी आपको वहां पे लोन प्रोवाइड कर देगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।